आइंदा क्या कभी जिंदगी में, जब तक जिंदगी इस सीवियों में कभी नहीं आऊंगा। कानों को हाथ लगाते और तौबा करते कतार बनाए ये लोग आए थे ईद मनाने कराची के साहिल पर। बुलंद लहरें देखी तो गर्मी से निजात के लिए समंदर में कूद पड़े। फिर क्या था, दफा 144 के निफास पर अमल कराने वाले जवान थे तैयार। 50 मनचलों को पकड़ा और डाल दिया पुलिस मोबाइल में। किसी ने ईद का पहला रोज थाने की नजर किया और किसी का दूसरा दिन कैद में कट रहा है। थाने आने वाले कहते हैं कि समंदर में पाबंदी के बाद नहाना महंगा पड़ गया, आइंदा तो आने का सोचेंगे भी नहीं। पाबंदी हटी भी हो ना भाई, इवेंट पे मत जाओ, कोई भी इवेंट हो मत जाओ, सही है ना, अपना इवेंट खराब होगा। 3 दिन हमारे, 2 दिन खराब यहाँ पे। पुलिस हिरासत की नजर होने वाले कुछ अफराद तो कहते हैं कि पानी से बहुत दूर थे लेकिन फिर भी धर लिए गए। हमने गलती क्या की, हम तो समंदर से बहुत दूर थे, उन्हें फिर भी हमें पकड़ लिया यार। अपने घर इतना तो दूर रहेंगे भाई, सीमा में कभी आना ही नहीं दोबारा। पुलिस का कहना है कि पाबंदी का इतलाक शहरियों की हिफाजत के लिए किया गया है। ये खुले समंदर में अंदर चले जाते हैं नहाने के लिए और इस वक्त कोई गिरफ्तारी जो है ना वो इनके लिए फायदेमंद है। समंदर में नहाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को दरकशा और साहिल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़ कराची।